टेटे के पास गया था, अब टेटे ऑफिस गए हैं और हम खाने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे तुम? यस, तो हम कहाँ हैं दोस्तों? मैं हूँ अभी चीकू के साथ रेकॉन्ग फियो। मैं तो घर से रहा। आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे ऊपर? क्या कर रहे आप? क्या कर रही है? चॉकलेट खाना है क्या आपने? आइसक्रीम खाना है? हाँ चॉकलेट खाना। ओ देखो दोस्तों, तो चीकू से सीखिए आप सब बच्चे भी जो देख रहे हैं वीडियो। चीकू बोल रहा है आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से बुखार होता है। वेरी गुड, बच्चा बड़ा हो गया हमारा। हेलो गाइस, मैंने ये वाला चटनी सीख लिया है, बहुत अच्छा है। और ये देखो इसके नीचे गिराओगे 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 गिराओगे, टूटेगा मत करो। हाँ, इसके नीचे होता है चटनी। देखते हैं भाई, चीकू कुछ बोल रहा है। और चीकू फिलहाल कहाँ है आप? ये रिकॉन्ग पे बस स्टैंड में चीकू। अरे तीन तो भाई मैं पहुंचा हूँ अभी फिलहाल रिकॉन्ग पियो। और रिकॉन्ग पियो में क्या चल रहा है? ये ऊनी ताना बाना ले रहे हैं मम्मी और सारे। मेरे लिए क्या क्या लिया तुम लोगों ने? कुछ लिया क्या? पहले ही बुलाया मेरे? हमने नहीं बुलाया, आप हमसे खुद आ जाते। वाह, ये हमारा पार गांव कानम गांव। बार बार मैं बोलता हूँ, ये जो नेबर मेरा विलेज है वो है कानम विलेज। और सामने नेसंग पहाड़ों के बीच में बहुत ऊपर बादल देखिए, घने बादल जो बरसात मौसम में हमारा ऐसे ही बना रहता है। बारिश बहुत लिमिटेड, और कब से बारिश नहीं हो मुझे नहीं पता। फिलहाल तो 2 महीने से बारिश बहुत हुई नहीं है, हुई भी होगी एक दो बार बहुत हल्की हल्की बारिश हुई है, तो ड्राई एरिया है ये। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे है दोस्तों? सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल गब्बू माई लाइफ स्टाइल। तो गाइस, अभी मैं घर से निकला हूँ। मैं फ़िलहाल पहुँच गया हूँ अभी मेन पुआरी। ये हमारा पुआरी मेन NH। मुझे इस रास्ते से जाना है शिमला चंडीगढ़, और ये जा रही है रिकॉन्ग पियो मेन बाज़ार। और इसी रोड पे रिकॉन्ग पियो पहले आएगी, कल्पा उसके ऊपर है, और पंगी उससे आगे भी है। और ये NH जो जा रही है ये ने ताबो नाको पू स्पीति, ताबो स्पीति तक जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रोड है भाई। मेन हमारा हेडक्वार्टर रिकॉन्ग पियो जो इधर लिखा भी है, मेन किन्नौर का जो हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन पावर जहाँ से किन्नौर का जो प्रशासन चलता है वो रिकॉन्ग पियो में है। और रिकॉन्ग पियो किन्नौर का मेन बाज़ार भी है, किन्नौर का हेडक्वार्टर। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लाबरंग में मेरे घर में, मेरे गांव में कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। अब देखते हैं भाई आज का कैसा सिचुएशन रहता है। मुझे फिलहाल चंडीगढ़ पहुँचना है दोस्त। फिलहाल मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ यहाँ, सुमित का, सुमित फ्रॉम चगाँव। तो भाई ने जाना है रामपुर तक और मुझे जाना है आज, देखता हूँ आज मैं जाकरी तक जाऊँगा भाई, क्योंकि रोड का बहुत बुरा हाल है, या शिमला तक जाऊँ कन्फर्म नहीं है। फिलहाल जाकरी तक सोच रहा हूँ, बट निकुल सरिंग में जो रोड है ना वो बहुत भयंकर रोड है। निकुल सरिंग का जो ब्लॉग है ना वो निकल जाए भाई, बहुत मुश्किल वाला काम रहेगा आज। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, आज वीडियो बनती रहेगी। भाई का वेट कर रहा हूँ फिलहाल, फिर चलेंगे साथ में। तो ले चलते हैं आपको, यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। सतलुज नदी का रौंद रूप देखिए भाई, का पानी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है, इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा भाई, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में ये पानी अब फ्लो बन रहा है। तो दोस्तों ये मौसम देखिए कैसा आज, वाह ये कांटे लगा हुआ भाई। बस आ गई भाई, देखते सुमित भाई इसमें ना आ रहा हो बंदा। भाई आगे गाड़ी फंस गई है, देखते हैं क्या सी नीचे बज रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओ भाई क्या यार, भाई नज़ारा देखो निकुल सारी का।
नहीं निकलेगी। मैं पहुंच गया हूँ निगुलसारी पॉइंट। आप देखिए गाड़ियों का जमावड़ा। भाई भाई छोटी गाड़ी निकलना मुश्किल है भाई, एक गाड़ी फंस गई थी। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी फंसती है, उसके बाद हमने निकलना है। फिलहाल मेरे साथ है सुमित भाई, काफ़ी टाइम के बाद। भाई साहब हम दोनों निकल जाएंगे, ऐसे लग रहा है। भाई साहब जा रहे हैं रामपुर तक, ये जो पुआरी से ये बैठे थे अपने साथ। आज यार पानी इतना नहीं है, दलदल है नहीं है, बट ये जो हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं ना उन्होंने दसा दिया हुआ है पूरा। रोड तो काफ़ी नीचे है यार, है ना, छोटी गाड़ी फंस सकती है। बिल्कुल तो पर से गाड़ियाँ बंद कर दी ना भाई, अब तो हमें कमर कसना पड़ेगा। हम भी तैयार हो जाते भाई, बने रहे दोस्तों, निकलते कि नहीं निकलते देखते हैं। निगुलसरी अपना स्लाइडिंग पॉइंट, वहाँ से निकल के अब हम पहुँचे बताल साइड। बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क था आज भी यार भाई, कुछ एक मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं अभी, ये लंच का टाइम हो गया है, 2 बज गए। तो मक्की की रोटी विद साग, और इन्होंने दे दिया हुआ है राजमा, कढ़ी भी है और राजमा भी है। भाई साहब ले रहे हैं फिलहाल परांठा, क्योंकि ये लाइट खा के जाएंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं आज खास जगह जहाँ उनको मेहमान नवाजी ठीक होगी। तो हम पहले इन्जॉय करते हैं आज सरसों के साग को, और मौसम का भी लुत्फ उठा हुआ है, हल्की हल्की बूंदा बूंदी भी हो रही है। इसको तो दिखाना भूल गया, लस्सी भाई लस्सी, हमें देखो लस्सी प्योर। अगली बार हम यहीं आएंगे भाई, नेक्स्ट टाइम अपने सुमित भाई यहीं होगा अपना डेस्टिनेशन। अब आपने अच्छी, ये सुमित भाई का यहाँ पे यार फेवरेट जगह ले आए हैं, अगली बार यहीं खाएंगे भाई। लोकेशन देख लेंगे थोड़ी देर में। हाँ, रोटी वाला ये भाई, ये लोकेशन है, बहुत अच्छा खाना था भाई। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ लंच करा अल्टीमेट लोकल डिश, लोकल मक्खन घी और ये लस्सी लुस्सी भाई बहुत ज़्यादा। अगली बार से हम यहीं आएंगे भाई, और अपने सुमित भाई चले चलते हैं भाई, ठीक है। नहीं नहीं वीडियो बनी नहीं, वीडियो बनी नहीं। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं लंच करके, भाई का डेस्टिनेशन है रामपुर तक का, मेरा है जाकरी तक का। भाई को छोड़ने जाएंगे, नेक्स्ट टाइम तो मिलेंगे हम, कुछ टाइम के बाद मिलेंगे अपने सुमित भाई से। आज का अच्छा सा एक ट्रैवल हो गया, तो बने रहे दोस्तों चैनल पे। चलो सुमित भाई करें फिर पैकअप, लेट्स गो। शाम को जाखड़ी में स्टे होने के बाद अभी सुबह निकले थे 8:30 बजे, अभी हो गए 10 बज गए। 8:30 बजे मैं चला था, 8:30-9 बजे चला था, अभी हो गया है 10 बज गए। अब मैं पहुंचा हूँ कुमार सेन चाक, यहाँ का नज़ारा है। ओके थैंक यू भाई। भाई ने अपनी बाइक थोड़ी सी साइड में पार्क करी, मैं लंच करने के लिए बैठा हूँ 10 बजे। कैसा लगा मेरा एक छोटा सा ब्लॉग किन्नौर से चंडीगढ़ तक का सफ़र? बने रहे दोस्तों, फिर मिलेंगे
चलते चलते नए ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना।